खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। वाह क्या सीन है। सो ही गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल सही बताने वाला हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो मिस्टी आप देख रहे हो ये पहली पोकेगर्ल नहीं थी। जी हाँ अब आप सोचोगे कैसी बातें कर रहा है, लेकिन जी हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मिस्टी फर्स्ट पोकेगर्ल नहीं थी और इसके मेरे पास प्रूफ भी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना जानने के लिए, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना यार, क्योंकि देखो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग पोकेमॉन वीडियोस आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक एम है 70 लाइक्स का। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें जो पोकेमॉन के एनीमे में सबसे पहले हमें दिखाई गई थी फर्स्ट पोकेगर्ल हमें मिस्टी ही थी, लेकिन जो सबसे पहले ऐश जिस पोकेगर्ल से मिला था वो मिस्टी नहीं थी। जी हाँ और वो जिस पोकेगर्ल के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो ऐश से खूब बार मिली हुई भी है, मतलब सबकी फेवरेट पोकेगर्ल है वो, और ऐश की भी फेवरेट हो सकती है। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जाने के लिए तैयार हो जाओ। फर्स्ट पोकेगर्ल कोई ऐसी वैसी पोकेगर्ल नहीं थी, वो थी सरीना। जी हाँ अब आप बोलोगे ये कैसी भी बातें कर रहा है तू, लेकिन गाइस जब ऐश छोटा था और जब ऐश कहीं कैंप में गया था और वहाँ पर हमें दिखाया गया था कैलोस रीजन के एपिसोड में, जब सरीना बैक स्टोरी बताती है कि ऐश से वो कैसे मिली, तब हमें दिखाया जाता है जब सरीना और मिस्टी मतलब सरीना और ऐश दोनों आपस में मिले होते हैं। जी हाँ अगर आपको नहीं पता, अगर आपने कैलोस रीजन का एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे को है ना मेल कर सकते हो, मैं आपको मेल नीचे दे दूँगा, तो मैं आपको वो एपिसोड दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो वाला एपिसोड। तो वो एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप वो एपिसोड ज़रूर जाके देखना। तो सबको पता है जब ऐश बचपन में था और वो एक कैंप में गया होता है, वहाँ पर हमें सरीना दिखाई जाती है, सरीना के पैर में चोट लगी हुई रहती है और ऐश उसको रुमाल देता है, तब से ही सरीना उसको बहुत पसंद करती है, ये हम सब जानते हैं। तो अपन ने देख ही रखा है वो वाला एपिसोड, अगर आपने नहीं देखा मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो एपिसोड की लिंक दे दूंगा। तो गाइस ये इस हिसाब से तय होता है कि मिस्टी फर्स्ट पोकेगर्ल नहीं थी जिससे ऐश मिला था। जी हाँ इसका मतलब फर्स्ट पोकेगर्ल जो थी वो थी सरीना। तो गाइज ये थ्योरी आपको कैसी लगी, एक मेरे को मेरी तो जैसे ही मन में आई थी ना गाइज मेरा तो दिमाग सही में पागल हो गया था, मैं तो सही में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है इस पर अब तक, किसी ने भी सोचा भी नहीं है। आखिर मेरे को पता है कि ये सबको पता है लेकिन ये बात किसी ने नोटिस ही नहीं की है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना, थ्योरी भी कैसी लगी। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी जो मैंने ये थ्योरी मैंने आपसे जो शेयर करी, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना यार, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी ये थ्योरी। तो यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार ऐसी और पोकेमॉन वीडियोस के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।